नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सीरियल स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। एक तो वो बॉलीवुड के सीनियर स्टार हैं ही, साथ ही साथ वह एक राजनेता हैं। तो ऐसे में बिहार को लेकर जो है शत्रुघ्न सिन्हा की एक अलग छवि रही है। आज हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफर को लेकर। बिहार के साथ साथ देश की मीडिया में सुर्खियों में रहने वाले बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा अब एक बार फिर से मीडिया की हेडलाइन बन रहे हैं। इस बार मौका है शत्रुघ्न सिन्हा को जश्न मनाने का, क्योंकि लंबे समय तक बॉलीवुड में अपनी एक अमीर छाप छोड़ने वाले बिहारी बाबू जब राजनीति में आए तो यहाँ भी उन्होंने अपने आप को एक अलग ही पहचान दी है। इस बार वे TMC के चुनाव चिन्ह पर आसनसोल की सीट से सांसद बने। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट पर 3 लाख से अधिक मतों से जीतने में कामयाब रहे हैं। यहाँ उन्होंने BJP के उम्मीदवार को पटखनी दी है। कहते हैं बिहार में वे पिछले 2 बार से सांसद नहीं बन पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ममता का साथ मिला तो पहले ही लड़ाई में वे सांसद बन गए हैं। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। आपको बता दें कि बिहारी बाबू की राजनीति की शुरुआत BJP के बड़े नेताओं का सन्निधि में हुआ है। आज अगर वे राजनीति में कुछ हैं तो उसमें BJP का बड़ा योगदान है, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता और बाद में समय में वे केंद्रीय मंत्री भी बने। बाद के समय में उन्होंने BJP से अपना नाता तोड़ लिया और कांग्रेस के साथ चले गए, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और वर्तमान में वे ममता बनर्जी की पार्टी TMC के साथ हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में थे शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू का राजनीति में एंट्री भी कमाल की थी। वह साल था 1991 का, देश में आम चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में BJP अपना पैर जमाना चाह रही थी। कांग्रेस का अपना अलग ही वर्चस्व था, लेकिन BJP भी चाह रही थी कि वह भी अपनी सीटों की संख्या में इजाफा कर सके। खैर, उस समय BJP के सबसे बड़े नेताओं में से एक जिनकी गिनती होती थी वह थे लाल कृष्ण आडवाणी। इस चुनाव में आडवाणी ने 2 सीटों का चयन किया था, एक तो गुजरात की गांधीनगर सीट और दूसरा नई दिल्ली सीट। इन दोनों सीटों पर उन्होंने जीत मिली, लेकिन एक सीट तो छोड़नी ही होगी। ऐसे में उन्होंने गांधीनगर की सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा और नई दिल्ली की सीट उन्हें छोड़ दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के स्टार अभिनेताओं में से एक रहे राजेश खन्ना को उन्होंने 2000 वोट से हराया था। बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जो कि राजेश खन्ना के विरोधी के रूप में BJP ने शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार दिया और इस तरह से बिहारी बाबू पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली और राजेश खन्ना से हुए 27,000 वोटों से हार गए। राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती राजनीति की धार में बट गई। हालांकि बाद के में दोनों जो है एक बार फिर से दोस्त बन गए जब पहली बार पहुंचे थे राज्यसभा। वह साल था 1996 का जब बिहारी बाबू पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। बताते कि BJP ने उन्हें लोकसभा उपचुनाव में मौका दिया, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भले ही वे उपचुनाव में हार गए, लेकिन पार्टी के प्रति उन्होंने समर्पित होकर कार्य किया, जिसका नतीजा हमने देखा कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद BJP साल 2002 में एक बार फिर से सत्ता में आई और इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को BJP ने कैबिनेट में जगह दिया और उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेवारी दी गई। इसके बाद साल 2003 में उन्हें जहाज रानी का मंत्री बनाया गया और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई, लेकिन उन्होंने पार्टी में जमकर प्रचार प्रसार किया। अब स्थिति यह थी कि वे पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे, लोग उनसे जुड़ने लगे थे। अब एक बार फिर मौका था चुनाव मैदान में उतरने का और वह साल था 2009 का। इस चुनाव में BJP ने शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब की सीट से चुनाव मैदान में उतारा। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई RJD के उम्मीदवार विजय कुमार यादव के साथ थी और पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा में बतौर सदस्य बैठने का मौका मिल गया। यहाँ पर कांग्रेस के बॉलीवुड के अभिनेता शेखर सुमन को चुनाव मैदान में उतारा गया, यानी कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव मैदान में थे और उन्हें मात्र 60,000 वोट मिला। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से 1,66,700 वोट से जीतने में सफल रहे, लेकिन BJP सत्ता में नहीं होने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा केंद्र की राजनीति में काफ़ी एक्टिव नहीं रहे। फिर समय और परिस्थितियां दोनों ही बदल गई। BJP में आडवाणी की पकड़ कमज़ोर होती चली गई और शत्रुघ्न सिन्हा भी BJP से दूर होने लगे। अब तक BJP पर नरेंद्र मोदी की पकड़ मजबूत हो चुकी थी, BJP के विरोध में बोलना शुरू किया। इसके बाद साल 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया।
इस चुनाव में पटना साहिब की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर कसमकस की स्थिति थी। यहां से रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की पुरानी खिलाड़ी थे। आखिर वे शत्रुघ्न सिन्हा यहां से सीट पाने में कामयाब रहे और पटना साहिब की सीट पर 265,805 वोट से जीतने में कामयाब रहे। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कुणाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कुणाल सिंह भोजपुरी के अभिनेता रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीद थी कि जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, इस चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग हाशिए पर चले गए, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और बाद में पार्टी ने उन्हें मार्गदर्शन में बैठने का एक तरह से कहने की व्यवस्था कर दिया। इसके बाद बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी एक्टिव हो गई, पार्टी के जितने भी छोटे बड़े फैसले होने लगे यहीं से गुजरने लगे। ऐसे में पटना साहिब के सांसद बिहारी बाबू भी बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ बयान देने लगे। इतना ही नहीं, विपक्षियों के साथ मंच भी शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद होने वाले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट पार्टी से कट गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थामा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की सीट पर बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया तो यहां से बिहारी बाबू एक बार फिर से मैदान में थे, लेकिन इस बार सिंबल बदला हुआ था और यह था कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में रविशंकर प्रसाद ने बिहारी बाबू को 284,657 वोट से हरा दिया। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी ही, साथ में कांग्रेस में बिहारी बाबू को उतनी तरजीह नहीं मिली। ऐसे में बिहारी बाबू ने अपने राजनीतिक सफर को बदला और बिहार को छोड़कर उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया। यहां उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी में 15 मार्च 2022 को शामिल हुए और उसके कुछ ही दिनों के बाद आसनसोल की सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार अनिमित्रा पॉल को 3,00,000 वोटों से हरा दिया। तो बिहारी बाबू एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी की सांसद दिल्ली की संसद भवन में बोलती है, उसमें अब एक और नाम जुड़ गया है, बिहारी बाबू का। ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा संसद भवन में विरोधियों पर बरसते हुए नजर आएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।